पांच लौंग और पांच मिनट में शत्रु का सफाया। जो लोग अपने दुश्मनों से बुरी तरह पीड़ित हैं, जिनके दुश्मनों ने उनका जीना हराम कर रखा है, कुल पांच मिनट के बाद से आपका शत्रु मुंह की खाएगा, तड़पेगा और शत्रु की सारी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। आज मैं आपके लिए पांच लौंग का एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो अगर आप करोगे तो दुश्मन से छुटकारा पा जाओगे हमेशा के लिए। शत्रु को पटक पटक कर, उठा उठा कर और ऐसा पछाड़ोगे, दोबारा कभी दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। मेरे YouTube के करियर का दुश्मनों से रिलेटेड जो भी उपाय मैं बताता हूं, मेरे अपने करियर का ये सबसे बेस्ट उपाय होने वाला है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लगातार दिन रात प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, बुरी तरह से शत्रु के चुंगल में फंस चुके हैं, कोई ऐसा उपाय बताएं जो शत्रु को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर पछाड़ने को मजबूर कर दे। आपके दुश्मनों की चीखें निकलवा देगा यह उपाय और मिट्टी में मिल जाएगा आपका दुश्मन। क्योंकि ये उपाय है ही इतना पावरफुल, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी लाइफ से सभी शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। दुश्मनों की छठी का दूध याद दिलवाने का ये एक ऐसा उपाय है जो भी करेगा दुश्मनों की ऐसी तैसी कर देगा। आज का जो उपाय है ये बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, बहुत लंबे समय से इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, पर्सनली मैंने करवाया अपने खास जो जानने वाले हैं उनको मैंने ये उपाय रिकमेंड किया और जैसे जैसे उन्होंने इस उपाय को किए इसके जो रिजल्ट थे वो बहुत हैरान कर देने वाले थे। अर्थात आम तौर पर उपाय का जो रिजल्ट है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में मिलना शुरू होता है, लेकिन इस उपाय का जो प्रभाव था, इसका जो रिजल्ट था, उसने हम सभी को चकित किया था। 24 घंटे के अंदर अंदर, 5 मिनट के बाद से और 24 घंटे के अंदर अंदर इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट मिले जो वाकई बहुत कमाल के थे। अगर आपके दुश्मनों ने आपकी नाक में दम कर रखा है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको वो उपाय मिलने जा रहा है जिसे करने पर आप अपने दुश्मनों को उठा उठाकर पटकोगे। चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम्
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधु जनों, जैसा कि एपिसोड के टीजर में आपने देखा है, 5 लौंग 5 मिनट में शत्रु का पूरी तरह सफाया। अब मैं आपको वो महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद लाइफ टाइम कभी आपको शत्रुओं से जुड़ी हुई कोई भी हानि नहीं होगी। आपके दुश्मन, आपके शत्रु अपने आप को कितना ही अहंकारी, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना मानता हो, इस उपाय को करने के बाद शत्रु की सारी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी और वो आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। शत्रु तड़फेगा, हाथ पैर मारेगा, लेकिन कुछ आपका कर नहीं पाएगा। उसकी सारी शक्ति को आप अपने काबू में कर लोगे। दुश्मन जब तक आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। जब तक आपके सामने नाक नहीं रगड़ेगा उसकी जान को चिंताएं घिरी रहेंगी। तो उपाय किस प्रकार करना है? 5 लौंग आपको लेनी है। शनिवार के दिन ये उपाय करना है। आपने एक कागज लेना है, उस कागज पर काले पेन से शत्रु का नाम लिखना है। छोटे छोटे कागज के 5 पीस बना लेने हैं, उन 5 के 5 पीस पर काले पेन से शत्रु का नाम लिखना है। एक एक कागज में एक एक लौंग रख लेनी है। उसके बाद आपने 5 चौराहे, चौराहे का मतलब आप समझते हो जहां पर 4 सड़कें निकलती हैं, उसे चौराहा बोलते हैं। 5 चौराहों पर ये 5 लौंग है जो आपके पास, एक एक चौराहे पर एक एक कागज लौंग समेत जलाकर आ जानी है शनिवार की शाम को। एक बात का खास ख्याल रखें, जिस समय आप यह कार्य कर रहे हो उस समय कोई भी आपको ऐसा करता हुआ ना देखे। 5 चौराहों पर 5 ये कागज आपने जलाकर आ जाने हैं। शत्रु का नाम कागज पर जरूर लिखा होना चाहिए काले पेन से। अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है उसकी जगह अज्ञात शत्रु या गुप्त शत्रु आप लिख सकते हैं। यकीन मानिए जिस शनिवार को ये उपाय आपने कर दिया, 24 घंटे से पहले पहले इस उपाय के जो असर है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और मात्र 1 से 2 दिन के अंदर आपका शत्रु आपके सामने माफी मांगने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और कुछ ही दिनों में वो शत्रु आपसे आकर अपने जो भी उसने गलत काम किया था उसकी माफी भी मांगेगा और जैसा आप कहोगे उस बात को भी मानेगा। गलत क्रिया से भोले भाले व्यक्तियों पर जानबूझकर किसी का बुरा करने के लिए
इन उपायों को ट्राई करने की सोचिएगा भी मत, अन्यथा आपका बुरा हो सकता है। एपिसोड अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय माता की।